नमस्कार, मैं आपका दोस्त अंकित शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आ पहुंचे हैं नोएडा एनसीआर से सटे ग्रेटर नोएडा के एक फार्म में जहां पर हो रही है नेचुरल फार्मिंग। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान जिनका नाम है नंदिनी जी और पद्मश्री जी। तो आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वो नेचुरल फार्मिंग कर रही हैं और अपने साथ कई लोगों को जोड़कर एक अच्छी मुहिम में आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नंदिनी जी। थैंक यू। तो ये बताएं, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आप बता, मेरे को जानकारी मिली थी कि आप पहले बाय प्रोफेशन एक लॉयर थी, तो फिर एकदम एग्रीकल्चर में कैसे आपने एकदम मूव ऑन किया? जी, अब ऐसा हुआ कि जिंदगी में कभी कभी एक मोड़ ऐसा आता है जिसमें आपको लगता है कि जिस प्रोफेशन में आप हैं वो बिल्कुल एक यूजलेस प्रोफेशन है। और मेरे साथ भी शायद ऐसा हुआ 5 साल पहले, जब मेरे को एक चांस मिला इस प्रोजेक्ट को हेड करने का। और खेती से मैं ताल्लुकात तो रखती थी, लेकिन जब हेड करने का मौका मिला तो मैंने उसको छोड़ा नहीं। और फिर पालेकर जी का जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, उसका मैंने एक शिविर भी अटेंड किया। और उसके बाद जो सारे प्रश्न थे, जो कि अनआंसर्ड क्वेश्चन जिसे कहते हैं, वो सारे मेरे आंसर हुए। और फिर मैंने जोर जोर से ये खेती स्टार्ट करी। और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली कम्युनिटी फार्मिंग का है, जिसमें हम मेरे जैसे और 7-8 फैमिलीज हैं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ग्रुप्स बना के जैसे लोगों को हम कनेक्ट करें खेती से, क्योंकि शहर में रहते रहते तो हमको डिस्कनेक्ट हो जाता है। हमको लगता है कि पूरे साल में खेती मतलब सब्जियां तो मिलती रहती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि लोगों को कनेक्ट करें ये दिखाने के लिए कि खेती आ कहाँ से रही है और कितना मुश्किल है, और इसकी पैदावार में अगर हमने प्योर चीज लेनी है तो उसमें कितनी दिक्कतें आती हैं। तो इस तरीके से जब हमने इसकी शुरुआत करी और हमको थोड़ी सी पब्लिसिटी भी मिली, तो बहुत लोग सामने आए। तो फिर हमने ये कोशिश करी कि जैसे हमारे जो फार्मर ग्रुप्स हैं, फार्मर्स हैं जो कि इतने टैलेंटेड पीपल हैं और जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी इस खेती की नॉलेज है, तो उन लोगों को कनेक्ट किया अपने ग्रुप्स में। तो जैसे कि मैंने अनुमान लगाया है कि 8 फैमिलीज़ अगर हमको शहर की मिल जाती हैं और हम एक फार्मर फैमिली को अपने हेल्प के तौर पे ऐसे खेतों में रख लेते हैं, तो ये हमारा एक मंथली बजट जो 3,000 रुपये का है, उसमें हमको उतनी सब्जी मिल जाती है जितनी हम घर ले जा सकें, और आई थिंक वो अफोर्डेबल भी है। मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आजकल लोग कहते हैं कि किसानी, खेती किसानी काफी घाटे का सौदा है, लेकिन आप नोएडा एनसीआर से सटे यहाँ पर किराए पर जमीन लेकर और लोगों को अपने साथ जोड़कर, और इतना अच्छा प्रोफेशन था आपका लॉयर का, उसको आप छोड़कर खेती कर रही हैं, तो आपका क्या मानना है? जी, ऐसा है कि मेरे आसपास मैं ये देखती हूँ कि लोग पैसे तो बहुत कमा रहे हैं ऑफिसों में और बहुत सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, लेकिन वो सारे जो पैसे हैं ना, अल्टीमेटली वो डॉक्टरों, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और डॉक्टरों के हवाले करने के लिए ही हैं। अब जब हम इस टाइप की खेती करते हैं तो हम धूप और ये खुली हवा में जो आते हैं, इससे हमको हेल्थ मिलती है। और मैंने यही देखा कि डॉक्टरों से तो हमारा नाता है ही नहीं, अब हम कोई कनेक्ट ही नहीं है, ना मैं ना मेरे फैमिली वाले, हमको हो रहे हैं 8-9 साल हम डॉक्टरों के चक्करों में। जैसे नॉर्मल पब्लिक हमेशा बीमार पड़ी रहती है, वो हमारे साथ नहीं है। अच्छा, तो इस खेती में जैसे किसान ये कहते हैं कि हमारी फसल में कीड़ा लग गया या कोई बीमारी लग गई, तो आप कैसे इसका कैसे निजात करते हैं? अगर आपकी सब्जियों में या फिर आपकी जो फसल है उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो आप कैसे क्या करते हैं उसके लिए? सबसे पहले तो हम इतने एक्साइटेड नहीं हो जाते कि कीड़ा लग गया तो इसको मारो। हमारे ये जो सारे प्राणी हैं, कीड़े मकौड़े, इसके अलावा जो आप तितलियाँ और हनी बीज और आप देखते हैं चिड़िया, ये सब जो हैं ये हमारे एनिमीज नहीं हैं, ये हमारे दोस्त और ये हमारे परिवार की तरह के सदस्य होते हैं, ये मित्र होते हैं हमारे। तो इनका सिर्फ एक नियंत्रण करने की देर होती है कि भाई पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि मतलब सारा जो प्राकृतिक बैलेंस है वो बिगड़ जाए। तो हमारा तो सारा काउ बेस्ड खेती है, तो इसमें गौमूत्र और गोबर और कुछ ऐसे जड़ी बूटी पत्ते होते हैं, उससे हमारे पेस्ट कंट्रोल होते हैं। वो कीटनाशक नाशक तो नहीं है पर कंट्रोल के लिए बनती है, जैसे अग्नि अस्त्र, नीम अस्त्र, तम्बाकू डाल के ब्रह्मास्त्र बनता है, और उसी से हमारी ये सारी खेती चलती है। तो लगभग आपको कितना समय हो गया ये सब करते हो और किस किस तरीके की फसल करते हैं? हमें तो, मेरे को 5 साल यहाँ हो गया है, अब तो हो रहा है। और खेती तो हम बेसिकली तो सब्जियों की और फल की, चारों तरफ देखेंगे फल के पेड़ यहाँ पर एकदम 100 पेड़ लगे हुए हैं, और जो सब्जी है वो है। इसके अलावा जो अनाज में हम लोग गेहूं ले लेते हैं, लेकिन सारी खेती देसी है, तो अनाज ले लेते हैं जिसमें बाजरा, ज्वार भी अपने मौसम के हिसाब से होगा, दालें हम उगा लेते हैं और सरसों तेल।
अच्छा एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जैसा आपने, फिर वही प्रश्न मेरे दिमाग में दोबारा से आ रहा है कि आपका लॉयर का प्रोफेशन था, तो लोगों ने आपकी आलोचनाएं तो करी होंगी, कहाँ खेती बाड़ी के चक्कर में पड़ रही हो, धूल धक्कड़ के चक्कर। जी हाँ, वो तो आलोचनाएं चलती रहती हैं, लेकिन जब आपको एक मिशन पता चल जाता है अपने लाइफ का, तो तब फिर इस आलोचना से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फर्क आप लग जाते हो पूरी निष्ठा के साथ अपने काम। जी हाँ, और प्लस जो मेरी लीगल स्किल्स हैं, जैसे रिसर्च करना और लोगों को इसके बारे में बताना इतने कन्विंसिंग तरीके से, तो वो मेरे पास है और अभी भी है। जब मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बोलना शुरू करती हूँ, लग रहा है हमको भी, हम भी सुन रहे हैं आपकी बात, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं। अच्छा एक प्रश्न और, कि आने वाले समय में आप इसको नेचुरल फार्मिंग को क्या देखती हैं, देश में किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? जी देखिए, अभी तक तो हमारे को, हमारे देश के ज़रिए जो खाना मिल रहा था, खाना पड़ रहा था क्योंकि पेट में भूख थी, लेकिन अब ये भूख जो है ये बीमारियों में बदल हो चुकी है, क्योंकि अब कैंसर है, अब हर तरीके की बीमारियां हैं, तो अब लोग जो साफ़ सुथरी चीज़ है उसको ढूंढ रहे हैं। तो अब ज़रूरत भी ये है कि हम आए मिलके इस टाइप की खेती करें और इससे जुड़ें। मिट्टी से जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम अपनी जगहों में बस बीमार ही पड़ते रहेंगे और हम चूसे हुए ही रहेंगे। अच्छा देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अपने गांवों को छोड़कर 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए शहरों में पलायन कर लेते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किसान जो है अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाह रहा, बल्कि उससे कह रहा है कि तू शहर में जाके मजदूरी कर, फैक्ट्री में काम कर, बस गाँव छोड़ दे, तो उन किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि मतलब देशवासियों को तो चाहिए ही है कि मिट्टी जहाँ पे भी है उनकी, गाँव है तो गाँव से जुड़े रहें, बल्कि शहर वालों को भी अब गाँव की तरफ ही प्रस्थान करना चाहिए इस मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, और अपने ही जगह की जो अपने प्रांतों में जो चीज़ उगती है उसको और बढ़ चढ़ के उगाएं, और गाय के साथ जो ऐसा प्रण हो गया है, जो इतनी दूरी आ गई है, क्योंकि गाय कोई नहीं चाहता अपने पास, देसी गाय से हम बहुत दूर जा चुके हैं उस लालच में कि भाई हमको कुछ कमाना है, हमको लूटना है, इस लूट खचेट से हमको बहुत दूर आके अपने गांव में वापस जाना है और वहीं की ज़िंदगी, वहीं की चीज़ें उगानी है, और लोगों को हम चाहे सप्लाई करें चाहे कुछ करें, हमको वापस तो जाना ही है। तो पद्मिनी जी, आप भी एक संदेश जाते जाते, आपकी हम भी एक संदेश लेना चाहेंगे आपसे। संदेश यही है कि ये 10-15 हज़ार की नौकरी के चक्कर में जो आप अपने बच्चों को शहरों में भेज रहे हैं, प्रदूषण कितना है यहाँ पे, ना तो उनकी हेल्थ की कोई सिक्योरिटी है, और प्लस जो उनका पीछे जो अपनी ज़मीन से वो जो लोग हट के वापस आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका खुद का भी नुकसान है ना। जो ज्ञान उनके पास था कि खेती कैसे करनी है, जो साइंटिफिक हमारे भारत का पुरानी प्राचीन परंपरा है, उसका तो बड़ा नुकसान हो रहा है ना। तो वो परंपराओं को जीवित रखने के लिए आपको, हमें और बाकी लोगों को प्रयास करना पड़ेगा कि जो लोग गाँव में, उनको गाँव में ही सुविधाएं देकर उनको वहीं पर रोका जाए और उनसे खेती ही करवाई जाए। बहुत बढ़िया संदेश दिया, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। आप भी इस वीडियो के माध्यम से नंदिनी जी से और बिन्मी से जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो अपने कमेंट हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और देखते रहें खबर किसान की यूट्यूब चैनल। Oh, oh, oh.